सो हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं शिशुदत्त चांदेकर और मैं आप स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का ज्योग्राफी, जिसमें आज हम कर रहे हैं 5th चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। ये हमारा सेकंड पार्ट है। तो आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहेंगे। अगर आपको ये चैनल ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो चलते हैं अब हमारे नेक्स्ट वीडियो पे। हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था कि ब्राज़ीलियन वेजिटेशन कैसी है, तो अभी हम इंडियन वेजिटेशन देखने वाले हैं। तो ये मैप आप अच्छे से देख लीजिए, हम इसके अभी आंसर सॉल्व करने वाले हैं इसके ऊपर दिए हुए क्वेश्चन के। विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न स्नो कैप रीजन? यहाँ पर यह क्वेश्चन थोड़ा मिस्टेक है, वेस्टर्न साइड में कोस्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि विच फॉरेस्ट आर फाउंड इन वेस्टर्न कोस्टल रीजन, तो इसका आंसर है एवरग्रीन फॉरेस्ट। आप देख सकते हैं वेस्ट की तरफ, टिप की तरफ सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट डार्क साइड ने कवर किया है, तो वहाँ पे एवरग्रीन फॉरेस्ट है। ऑन विच कोस्ट डू यू मेनली फाउंड अ कोस्टल वेजिटेशन? कोस्टल वेजिटेशन हम ईस्टर्न साइड में देख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये ईस्ट साइड है हमारा, ये हमारा ईस्टर्न साइड है, ठीक है। तो फिर देखते हैं आगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट ऑक्यूपाई मेन मैक्सिमम एरिया ऑफ इंडिया एंड व्हाई? डेसीडस टाइप ऑफ वेजिटेशन फाउंड इन दिस एरियाज? डेसीडस फॉरेस्ट, डेसीडस फॉरेस्ट क्यों मिलता है? बिकॉज यहाँ पर 1000 mm टू 2000 mm के बीच में बारिश होती है। 1000 mm मतलब 100 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर की रेनफॉल यहाँ पर होती है, और 2000 mm मीन्स सेम 200 सेंटीमीटर एंड 2 मीटर की रेनफॉल होती है। देयरफॉर डेसीडस टाइप ऑफ वेजिटेशन ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द इंडिया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू वी फाइंड थ्रोनी एंड श्रब वेजिटेशन एंड व्हाई? हम थ्रोनी और श्रब वेजिटेशन कहाँ पर मिलता है हमें? तो ये हमें मिलता है इन स्टेट ऑफ राजस्थान एंड इन सेंटर पार्ट ऑफ पेनिनसुला, ठीक है। और क्यों? बिकॉज थ्रोनी एंड श्रब लाइक वेजिटेशन इज मेनली ग्रोन इन एरिया एक्सपीरियंसिंग हॉट समर। हॉट समर जहाँ पर भी होता है, जैसे कि राजस्थान में हॉट समर है, वहाँ पर थ्रोनी और श्रब लाइक वेजिटेशन के लिए एक कंफर्टेबल एरिया है, इसलिए वहाँ पर वो वहाँ पर हमें ज़्यादा मिलते हैं। क्योंकि और वहाँ पर 500 mm से भी कम रेनफॉल होती है, लेस देन 500 mm रेनफॉल, इसलिए थ्रोनी एंड श्रब वेजिटेशन आर फाउंड इन राजस्थान एंड पेनिनसुला, ठीक है। अब ज्योग्राफिकल एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फॉलन टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड इन इंडिया, जो हमने बाजू में देखा फॉलन इन रीजन विच रिसीव मोर देन 2000 mm मीन्स 200 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ऑन एन एवरेज अलॉन्ग विद एबंडेंट सनलाइट, एवरग्रीन फॉरेस्ट आर फाउंड। जिस एरिया में 2000 mm मीन्स 2 मीटर की रेनफॉल होती है वहाँ पर और वहाँ पर ज़्यादा सनलाइट आती है, वहाँ पर हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट मिलता है। द लीव्स ऑफ द ट्री इन द फॉरेस्ट आर ब्रॉड एंड ग्रीन। लीव्स जो होते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट के ट्री के, वो ज़्यादा थीक होते हैं और ग्रीन, ज़्यादा ही ग्रीन कलर के होते हैं, डार्क ग्रीन कलर के होते हैं। और हमने अभी पिछले पार्ट में देखा था कि जहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है उस पार्ट को लंग्स ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन की उत्पाद होता है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन आता है, वहाँ से सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन हमारे पूरे वर्ल्ड को जाता है, जैसे कि इंडिया में कुछ पार्ट्स है, कुछ ब्राज़ील में हमने देखा है, और आगे भी और बहुत सारे स्टेट्स हैं और अलग अलग कंट्रीज़ भी हैं जहाँ पर होता है एवरग्रीन फॉरेस्ट, ठीक है। तो द ट्रीज हैव हार्ड वुड हैवी एंड ड्यूरेबल, वहाँ के जो ट्रीज होते हैं उनको ज़्यादा ऑक्सीजन मिलने की वजह से और डार्क ग्रीन लीव्स की वजह से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस ज़्यादा हो जाती है, और वहाँ के जो ट्रीज़ हैं उनका वुड थोड़ा सा सख्त होता है, थोड़ा सा हार्ड होता है और हैवी होता है, क्योंकि उनमें वाटर लॉग कैपेसिटी ज़्यादा होती है और सनलाइट की वजह से उनका फूड भी ज़्यादा अच्छी तरीके से बनता है। एग्जाम्पल महगोनी एंड रोजवुड, रबर एक्सेट्रा। आल्सो देयर आर वेरियस टाइप ऑफ क्रीपर फाउंड हियर। क्रीपर्स आपको मालूम है जो एक
प्लांट का टाइप है जो दूसरे प्लांट या दूसरी चीज़ के ऊपर अपना ये खुद को लपेट लेते हैं। जैसे कि हमने बॉटल गार्ड, जैसे कि शेंगा जो महाराष्ट्र में या फिर कहाँ जहाँ है वहाँ पर जो होता है वो क्रीप करता है, दूसरे एक दीवार के सहारे से वो धीरे धीरे बड़ा होते रहता है। उसका अच्छे से एक थिक वुड नहीं होता, उसका स्टेम नहीं होती, वो लीफ के जैसा होता है और वो दूसरे के सहारे से बढ़ता है। ठीक है, हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी इज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। जहाँ पर भी एवरग्रीन फॉरेस्ट होता है वहाँ पर हाईएस्ट बायोडाइवर्सिटी मिलती है, मतलब वहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स मिलेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट स्पीसीज मिलेंगे, एनिमल स्पीसीज मिलेंगे, वहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेयर स्पीसीज भी मिल सकती है। इन रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 1000 mm to 2000 mm इन इंडिया डेसिडस फॉरेस्ट आर फाउंड। जहाँ पर हमने अभी ये सेकंड क्वेश्चन किया या थर्ड क्वेश्चन की इसमें देखा था कि डेसिडस फॉरेस्ट 10,000 mm to 2,000 mm की इसमें आता है, 1,000 mm to 2,000 mm। ठीक है, इन ड्राई सीजन ट्री शेड्स देयर लीव्स सो दैट वाटर इज नॉट लॉस्ट ड्यू टू एवेपोरेशन। समर की टाइम में, इन ड्राई सीजन मीन्स समर के टाइम में लीव्स शेड हो जाते हैं, मतलब पतझड़ का सीजन बोलते हैं, देखो हम वही पतझड़ के सीजन में लीव्स नीचे गिर जाती है तो उनकी वाटर कैपेसिटी कम नहीं होती पर घट जाती है थोड़ी सी। फॉर एग्जाम्पल टीक ट्री, बाम्बू ट्री, बनान ट्री, पीपल एक्सेट्रा आर द ट्रीज फाउंड इन दिस फॉरेस्ट। ये जो अभी मैंने नाम बताए हैं इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए क्योंकि ये फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर वन मार्क के क्वेश्चन में आ सकता है, तो इसका आप अंडरलाइन करके रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन से फॉरेस्ट आते हैं, कौन से टाइप ऑफ ट्रीज आते हैं डेसिडस फॉरेस्ट में, टीक, बाम्बू, बनान, पीपल एक्सेट्रा। रीजन दैट रिसीव लेस देन 500 mm ऑफ रेनफॉल आर एक्सपीरियंसिंग ड्राई समर। जैसे कि वहाँ पर हमें थ्रोनी श्रब्स मिलते हैं, थ्रोनी एंड श्रब्स मिलते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर लेस देन 500 mm रेनफॉल होती है और वहाँ पर हॉटनेस ज़्यादा होता है। फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ इंडिया रीजन दैट रिसीव लेस देन 500 mm ऑफ रेनफॉल आर एक्सपीरियंसिंग ड्राई समर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ इंडिया, थ्रोनी एंड श्रब टाइप्स वेजिटेशन इज फाउंड देयर, द लीव्स आर स्मॉल इन साइज, फॉर एग्जाम्पल कैटिच्यू, एपिका, खेजड़ी एंड वेराइटी ऑफ कैक्टस लाइक एलोवेरा एंड एगेवे। मतलब ये जो प्लांट्स के कुछ नाम दिए गए हैं ये कैक्टस के टाइप है, जो वहाँ बता रहे हैं कि वहाँ के लीव्स थ्रोनी और श्रब टाइप्स के लीव्स बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन स्वैपी एरिया इरिस्टिकल एंड लगून नियर कोस्ट एरिया हैविंग सलाइन सॉइल एंड मॉइस्ट क्लाइमेट कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन इज फाउंड देयर। स्वैम्पी एरिया, लगून नियर कोस्ट एरिया है सलाइन सॉइल, मतलब कोस्टल एरिया है वो, कोस्टल एरिया है मतलब वहाँ पे आजू बाजू में पूरा ओशियन है, वहाँ की सॉइल सलाइन है क्योंकि ओशियन की वाटर कैसा होता है, सॉल्टी वाटर होता है, तो वहाँ की सॉइल सलाइन है, मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है, इसलिए वहाँ पर कोस्टल टाइप ऑफ वेजिटेशन मिलता है। ठीक है, दे आर कॉल्ड मैंग्रोव्स और सुंदरबंस इन इंडिया, इंडिया में हम उसको मैंग्रोव्स और सुंदरबन कहते हैं। ठीक है, द वुड ऑफ दिस ट्री इज ऑयली, लाइट एंड ड्यूरेबल। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है वहाँ के लीव्स ट्रीज कैसे रहते हैं, ऑयली रहते हैं उनका वुड, लाइट रहते हैं और ड्यूरेबल रहते हैं, ड्यूरेबल मतलब ज़्यादा टाइम तक रहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, इन इंडिया हिमालयाज थ्री टाइप ऑफ फॉरेस्ट आर फाउंड अकॉर्डिंग टू द एल्टीट्यूड। हिमालय में तीन टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एल्टीट्यूड की अलग अलग एल्टीट्यूड पे अलग अलग फॉरेस्ट मिलते हैं। इन एरिया लोकेटेड एट द हाईएस्ट एल्टीट्यूड सीजनली फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड, मतलब जो प्लांट हाईएस्ट एल्टीट्यूड पे रहते हैं वो प्लांट वहाँ पे कौन से फ्लावर ये होते हैं, फ्लावरिंग ट्रीज आर फाउंड, मतलब वहाँ के ट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स लगते हैं। इन रीजन विथ मीडियम एल्टीट्यूड कोनिफर्स ट्री लाइक पाइन, डिडोर, फर और
एंड एट फुटहिल बिग फॉरेस्ट आर फाउंड। जैसे कि अभी हमने सेकंड इसमें देखा था रीजन विथ मीडियम एल्टीट्यूड, वहाँ पर हमें कौन से कॉन्फेरस ट्री लाइक पाइन, पाइन ट्री आपने देखा होगा वैसे, और देवदार, देवदार का ट्री कैसा होता है वहाँ, देवदार का ट्री पूरा कैक्टस जैसा, सॉरी देवदार के ट्री की तरह वहाँ पर हमें झाड़ मिलते हैं। और जो फुटहिल में है मतलब हिल्स के सबसे नीचे के पार्ट में, वहाँ पर हमें मिक्स्ड फॉरेस्ट मिलता है, मतलब वहाँ पर हमें देवदार भी मिल सकता है और फ्लावरिंग ट्रीज मिल सकते हैं, ठीक है। दिस इंक्लूड बोथ कॉन्फर्स एंड डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन सा टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है फुट हिल्स में, यहाँ पर हमें डिसीडियस टाइप ऑफ फॉरेस्ट मिलता है, ठीक है। हियर आर प्रोपोर्शन ऑफ साल्ट ट्री इज हायर, साल्ट ट्री जो है वो इस पार्ट में ज़्यादा मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। अगर आपको कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स लिखे, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।